हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल का तड़का। इसमें देखिए हर तरह का दाल है। ये वाला आसानी से पैकेट मिल जाता है बाजार में, और अगर ना मिले तो चार पांच किस्म का दाल मिला के आप कर सकते हैं। छोले, राजमा, चना दाल सब मिला हुआ है इसमें। चलिए इसको हम 15 मिनट के लिए कुक कर देते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं और 2 कप पानी डाल देते हैं। डाल के 15 मिनट के लिए कुक कर देते हैं। देखिए गाइस, 3 टेबल चम्मच हम ऑयल ले लिए हैं। अब 1 टीस्पून हम जीरा डाल देते हैं। फिर इसमें लहसुन डाल देते हैं कटा हुआ। अब इसमें अदरक कटा हुआ दे देते हैं, इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। दो मीडियम साइज का प्याज को काट लिए हैं, उसको डाल देते हैं। अब इसमें 2 टमाटर मीडियम साइज का काट लिए थे, उसको भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छा से सौते कर लेते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए। इसको हरी मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डाल देते हैं। अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर को डाल देते हैं। अब अच्छे से मिला लेते हैं इसमें। आप 1/2 टीस्पून चिकन मसाला डाल देते हैं 1% के लिए। फ्लेवर आ जाएगा।
दाल अच्छा से भून चुके हैं। देखिए गाइस, दाल बहुत अच्छा से मेरा कुक हो चुका है। देखिए गाइस, दाल अच्छी से कुक हो चुका है। अब इसको डाल देते हैं इसमें मसाला में। सारे दाल को मिला लिए हैं, अब इसको अच्छा से मिला के कुक कर देते हैं। अब इसमें गरम मसाला डाल देते हैं 1/2 टीस्पून, फिर धनिया पत्ता को डाल देते हैं। अब इसको अच्छा से मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को घिस के डाल देते हैं हाथ में। देखिए गाइस, हमारा बन चुका है ढाबा स्टाइल मिक्स दाल तड़का। देखिए गाइस, बन चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। आप इसको घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। हाई प्रोटीन का है, सब तरह का दाल है इसमें। देखिए गाइस, दाल तड़का बन चुका है। आप इसको घर में बना के खा के एंजॉय कीजिए। कैसा बना है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।